ये जो जिला प्रशासन दो कौड़ी के लोग जिनका खुद चरित्र ठीक नहीं है, नहीं किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए ना, किसी के लिए अच्छा नहीं। दो कौड़ी के लोग चरित्र में कोई खराब बात नहीं, नहीं लगा। अब भी किसी के लिए भी इस प्रकार की बात, आप अपनी बात कहिए पूरी। आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को घेर लिया और ये पहली बार अध्यक्ष महोदय नहीं घेरा गया है, लगातार घेर रहा हूँ। इस बार तो तैयारी ये है कहीं कुछ ऐसा ना हो जैसे बम रख दिया एक छात्र पर। अच्छा आज भी बता रहे हैं पुलिस घेरे बैठी है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कोई इतने बड़े अपराधी नहीं है, कोई इतने बड़े अपराधी नहीं है कि वो फर्जी मुकदमा लिखाओ। और संसदीय कार्य मंत्री जी तो इधर थे उधर थे, सब लोग वहीं बैठते थे, उनके कामों को भी देखते थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा, संसदीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, अब बहुत हो चुका। 2 साल 2.5 साल तो इमरजेंसी में भी नहीं बन रहे, 20 महीना रहे हैं और 20 महीने के बाद एक जनप्रतिनिधि को जो न कोई डकैत है न कोई चोर है न किसी प्रकार का माफिया है, उसको इस तरह से जेल में रखकर और फर्जी मुकदमे द्वारा छोटे छोटे मुकदमे। पीड़ित व्यक्ति है उसी ने इसमें रिपोर्ट लिखाई, वही इसमें मुद्दई है, वही उन केसों में गवाह है जो केस में गवाह की गवाही न देने की वजह से यह मुकदमा मान्यवर पंजीकृत किया गया। अब इसकी विवेचना प्रचलित है। जहां तक आपने बाकी बातें कही हैं उस बारे में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे मान्यवर, कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक होना भी चाहिए। आरोप लगे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा कि बिल्कुल तरीके से फर्जी, जो प्रथम दृष्टया अगर बनता है अपराध उसमें अगर अपराध लिखा है तो उसकी विवेचना में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह सरकार हर स्तर पर कोशिश करेगी कि हरेक के साथ न्याय हो और इस माननीय सदस्य के साथ जरूर न्याय हो, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार के माध्यम से।